हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज मेरी बेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स की वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, क्योंकि मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। पहली 1500 की रेंज में जो ईयरफोन्स है वायरलेस ईयरफोन्स उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी, और दूसरी 2000 रुपये के रेंज में। तो गाइज़ उन दोनों वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ इस वीडियो का फॉर्मेट भी पुरानी वीडियोस की तरह ही होने वाला है, जिसमें मैं आपको 5th नंबर से लेके 1st नंबर तक के वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5वें नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो वो हमें मिल जाता है बोल्ट की तरफ से, बोल्ट ऑडियो प्रो बेस। अगर आप एक अच्छी बैटरी बैकअप वाला ईयरफोन चाहते हैं, वायरलेस ईयरफोन चाहते हैं, तो ये वाला ईयरफोन जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा। उसके साथ साथ ये जो है क्वालकॉम चिपसेट के साथ आता है, जिसके कारण कॉल क्वालिटी और साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है। उसके साथ साथ ये जो है वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं, उसके स्वाइट रेजिस्टेंस वगैरह होता है, वो भी हमें मिल जाता है। और ये जो है एक वाइब्रेटर के साथ आता है, अगर किसी का कॉल वगैरह आता है तो आपको जो है ये ईयरफोन वाइब्रेट करके बताएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो है ये ईयरफोन ही इकलौता ईयरफोन है जो वाइब्रेटर के साथ हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ जो है काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इसमें की जो साउंड क्वालिटी वगैरह है वो क्रिस्टल क्लियर है। आपको बिल्कुल एकदम हैवी बेस वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। तो अगर आप अच्छी बैटरी बैकअप चाहते हैं, उसके साथ साथ क्वालकॉम चिपसेट का जो है सपोर्ट चाहते हैं, तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप ये ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, और बाकी सारे ब्लूटूथ ईयरफोन की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लेके देके रखी है, तो आप वहाँ से जाके इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स को खरीद सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के 4th नंबर के वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो उसका नाम है जॉकिन सपोर्ट। अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं और आपको एक बढ़िया फीचर वाला स्टाइलिश ब्लूटूथ ईयरफोन चाहिए, तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका जो नेक बैंड है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक हैवी सा आपको मिल जाएगा, जिसके कारण इसका प्लेसमेंट वगैरह जो है वो इधर उधर नहीं होता है, स्टिक रहता है, और ये काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। जैसे ये ब्लूटूथ 4.1 को सपोर्ट करता है, जिस कारण आप 2 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। IPX5 का भी इसमें जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वाटर रेजिस्टेंस वगैरह जो है आराम से ये झेल सकता है। उसके साथ साथ ये जो है 2 से 3 घंटे तक का जो है चार्जिंग टाइम लेता है, और आपको 6 से 8 घंटे तक का है बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। और इसकी जो खासियत जो मुझे लगी है वो ये है कि इसमें आपको इनलाइन रिमोट मिल जाएगा, जिसके कारण आप वॉल्यूम को अप डाउन और पॉज वगैरह कर सकते हो, और गूगल असिस्टेंट को भी जो है इनेबल कर सकते हो। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशन जो है आपको 1000 रुपये के अंदर में मिल रही है, तो ये जो ईयरफोन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो साउंड क्वालिटी वगैरह जो है वो अच्छी है, इसका बेस जो है वो थोड़ा हैवी है, वोकल्स थोड़े कम है, लेकिन बेस जो है वो अच्छे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं या आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और ईयरफोन्स पहन के अगर करना पसंद करते हैं, तो ये ईयरफोन्स बजट में सबसे अच्छा हमें मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के 3rd ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन की। तो उसका नाम है फ्री सोल वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन। ये आपको 4 अलग अलग कलर में मिल जाता है, तो आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो प्राइस है वो भी अच्छा है, लाइक 945 रुपीज़ में मिल रहा है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो ये आपको ब्लूटूथ 4.2 में मिल जाएगा, जिसके साथ आप इसमें 2 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। IPX5 को सपोर्ट करता है, तो ये जो है वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ये सीधा सीधा वाटर प्रूफ है। अगर आप इसको पानी वानी में भी डालते हो तो ये चल जाएगा। उसके साथ साथ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमाल की है। बेस आपको थोड़े अच्छे मिल जाएंगे इसमें, और इसमें जो है आपको नॉइस रिडक्शन का सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो बाहर की नॉइस होती है वो इसमें आपको कम सुनाई देगी। उसके साथ साथ इसकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ, तो ये 6 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप दे देगा, और इसका चार्जिंग टाइम जो है वो कम से कम 2 घंटे तक का है। तो भाई अगर आप जो है स्पोर्ट्स लवर हैं और आप स्पोर्ट्स के लिए चाहते हैं, तो ये भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स काफ़ी कमाल का है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 2nd नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो उसका नाम है LXC TF3 वायरलेस ईयरफोन। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ हमें मिल जाता है। जो सबसे मेन फीचर मुझे लगा है वो लगा है माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट। इसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, तो भाई बिना फ़ोन कनेक्ट किए जो है आप म्यूज़िक सुन सकते हो। उसके साथ साथ ये जो है ब्लूटूथ 4.2 के साथ आता है, तो आप 2 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट
कनेक्ट कर सकते हो। ये जो है इसका बैटरी बैकअप 6 घंटे तक का है, लाइक आप 6 आवर तक लगातार म्यूज़िक सुन सकते हो, और ये जो है 2 घंटे तक का जो है बैटरी चार्ज करने में ये लगाता है। उसके साथ साथ ये जो है नॉइस रिडक्शन के साथ आता है, और हाई फाई साउंड क्वालिटी जो स्टूडियो साउंड क्वालिटी होती है वो उसके साथ आपको मिल जाता है, तो ये आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा। और इसके जो बाकी के फीचर्स हैं वो नॉर्मली है, लेकिन इसका जो इस प्राइस रेंज में जो अच्छा फीचर लगा है वो लगा है इसका ईयरबड जो है, आप इसको मैग्नेटिक की तरह जो है कनेक्ट कर सकते हो, तो आप अगर आप हैंग करके रखते हो तो ये मैग्नेट से जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्राइस रेंज में इतनी सारी स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है, लाइक हाई फाई साउंड क्वालिटी मिल रही है, माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, नॉइस रिडक्शन मिल रही है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट जरूर करूँगा। फर्स्ट नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन को बताने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ दोनों कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो जो है आप तक लेकर आता रहूँगा। तो फटाफट से बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो भाई 1000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में मैंने जो ब्लूटूथ ईयरफोन रखा है वो है लीफ की तरफ से स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन। काफ़ी कमाल का ब्लूटूथ ईयरफोन है और काफ़ी पॉपुलर है। अमेज़ॉन पर जो है इसकी जो रेटिंग वगैरह है काफ़ी अच्छी है। ये आपको जो है 945 समथिंग रुपीज़ में मिल जाएगा। लाइक इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 1000 से नीचे ही रहता है। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लाइक साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और ये ईयर हुक्स के साथ आपको मिलता है, तो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। लाइक ये गिरेगा नहीं, आप इसको जो है पहन के जॉगिंग या जिमिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, नॉइस रिडक्शन आपको मिलता है, बेस इसका जो है काफ़ी हैवी है, वोकल्स भी इसमें आपको अच्छे मिल जाते हैं। कम से कम ये 6 से 8 घंटे तक का आपको जो है बैटरी बैकअप दे देगा, और ये 2 घंटे तक का जो है चार्जिंग टाइम लगाता है। तो भाई 1000 रुपये तक में जो है ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी बाकी सारे ब्लूटूथ ईयरफोन से अच्छी है। तो अगर आप जो है एक स्पोर्ट लुकिंग ब्लूटूथ ईयरफोन चाहते हैं, तो ये वाला ब्लूटूथ ईयरफोन जो है मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूं। अब मैं बात करता हूं इसके अलावा भी जो सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा है आज के टाइम पे, लेकिन वो जो है सेल में आपको 999 रुपये में मिल जाता है। उसकी बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, अपनी दोनों वीडियोज़ में करी है। तो उस ब्लूटूथ ईयरफोन का नाम है बोट रॉकर्स 255। तो गाइस ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है, मैं तीसरी बार इस ब्लूटूथ ईयरफोन का मेंशन कर रहा हूँ अपनी तीसरी वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको 1000 रुपये में मिल जाता है सेल में, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर कार्ड वगैरह में ऐड कर देंगे तो ये लाइटनिंग डील में जो है आपको 1000 रुपये तक में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ देता है, काफ़ी अच्छी बेस वगैरह जो है अच्छी दे देता है, तो ये भी एक अलग से ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अभी इसका प्राइस 1400-1500 रुपीज़ है, लेकिन सेल में जो है अच्छे खासे प्राइस में आपको मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इनमें से कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप वहां से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।